1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज तुसी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 6वें गेट की जो वोटिंग है लगातार जारी है, सवेरे 7 बजे तो लेकर 6 बजे तक वोटा पैन गया, 39.13% वोटिंग हुन तक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 58 सीटों पर और इसको लेकर आंकड़ा है 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 39.13% तक अभी तक वोटिंग हुई है। हरियाणा का आंकड़ा 36.48% वोटिंग ठीक 1 बजे तक हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया है, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 36.48% वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। एक विधानसभा सीट को लेकर भी चुनाव आज है। दिल्ली का आंकड़ा 1 बजे तक 34.37% मतदान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हो चुका है ठीक 1 बजे तक। ते हुन तक दे वोटिंग परसेंटेज दी असी गल करें, टेलीविजन स्क्रीन ते तुसी ओ परसेंटेज देख पा रहे हो। दिल्ली दिया लोकसभा सीटा 7 लोकसभा सीटा ने ते हुन तक जे जिक्र कीता जाए सवेरे 7 बजे तो लेके 1 बजे तक दा ते 34.37% वोटिंग की गई है। परसेंटेज हुन तक दी 1 बजे तक दी तुसी अपने टेलीविजन स्क्रीन ते देख पा रहे हो। सारी देश 6वें गेट दी 6वें फेज दी वोटिंग लगातार जारी है। 58 सीटा ते लोका दे वलो मतदान किया जा रहा है। इस विचाले गुआंडी सूबे हरियाणा दी असी गल करते, हरियाणा दिया जो 10 दिया 10 लोकसभा सीटा ने उस ते भी वोटिंग लगातार जारी है। ते हुन तक दा 1 बजे तक दा डेटा तुसी अपने टीवी स्क्रीन ते देख पा रहे हो। परसेंटेज हुन तक दी 1 बजे तक दी दिल्ली दी परसेंटेज टेलीविजन स्क्रीन ते 34.37% दिल्ली च वोटिंग हुन तक दर्ज की गई। हालांकि जैसी गल करिए ते सुदेश सारे ही नॉर्थ इंडिया च रेड अलर्ट जारी किया गया है। वेदर डिपार्टमेंट दे वालों अत दी गर्मी है, पर वोटरां नूं अपील वड्डे वड्डे दिग्गज जो पहुंचे ने पोलिंग स्टेशन से अपील की जा रही है कि इसके विचाले वध तो वध चढ़ के वोटिंग की जाए, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। हरियाणा का असी जिक्र करें 1 बजे तक दे वोटिंग परसेंटेज का हिसाब च, अंबाला की गल करिए 38.12% वोटिंग हुई है। इसके विचाले भिवानी महेंद्रगढ़ च 35, करनाल का जिक्र करिए 35.69% वोटिंग दर्ज की गई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 40% से आंकड़ा ऊपर चला गया, 40.06% वोटिंग अब तक हुई है। सिरसा में भी 40.84% वोटिंग 1 बजे तक, सोनीपत का आंकड़ा 37.07% और अंबाला 38.12% वोटिंग अब तक हुई है 1 बजे का आंकड़ा। हम बता रहे हैं कि 1 बजे तक भिवानी महेंद्रगढ़ में 38.37, सिरसा में 40.84 तक आंकड़ा पहुंच गया है। 1 बजे तक का मतदान का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सीट वाइज 10 की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। सोनीपत में 37.07% वोटिंग, अंबाला में 38.12% वोटिंग, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी आंकड़ा 38 के पार यानी 38.37% वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। 15 जिलों में, हरियाणा के 15 जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट, लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि किस तरह से मतदाता उत्साहित है। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हर मतदाता अपना योगदान दे रहा है। आंकड़ा हरियाणा का कुल आंकड़ा 1 बजे तक का मतदान का 36.48% हो गया है। आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ेगा, हालांकि अभी तपती गर्मी है। 9 तपा की शुरुआत आज से हुई है। 9 तपा मतलब 9 दिन तक सबसे ज्यादा गर्म दिन जो रहते हैं उसे हरियाणा में 9 तपा कहते हैं। इस बीच में भी मतदाताओं का उत्साह जरा कम नजर नहीं आ रहा। पिछली दफा यानी 2019 में 70% वोटिंग हुई थी, 70% मतदान हुआ था। इस बार लक्ष्य रखा गया है 75% का। ये आंकड़ा 1 बजे तक आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हरियाणा में 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ है। सीट वाइज आपको लगातार हम आंकड़ा बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और ये जो वोटिंग हो रही है कहीं ना कहीं इशारा है कि यहाँ पर क्या होगा। उन समीकरणों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आंकड़ा इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने जैसा उत्साह दिखाया है उसके मुताबिक 1 बजे तक 36.48% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक दे वोटिंग परसेंटेज का जिक्र कर रहे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 6वें गेट की वोटिंग लगातार जारी है। लोकतंत्र का महापर्व लोका दे वालों मनाया जा रहा है। हरियाणा के असी गुआंढी सूबा की जिक्र करिए 36.48% वोटिंग दर्ज की गई है। दिल्ली दी तस्वीरां तुहानू नाल नाल विखा रहे। दिल्ली च 34.
37% वोटिंग दर्ज की गई है। साढ़िया सात लोग सभा सीटा ते वड़े वड़े दिग्गज ने वड़े वड़े चेहरे ने तमाम हस्तियां ने वक्त फील्ड दिया पोलिंग स्टेशन ते पहुंच रही ने मतदान उन्होंने वालों किया जा रहा है। तो लोगों ने भी अपील की जा रही है कि वध तो वध चढ़ के पोलिंग स्टेशन ते पहुंचन ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली की वोट परसेंटेज का असि जिक्र करें 1 बजे तक 34.37% वोटिंग दर्ज की गई है। महापर्व दस दिन लोकतंत्र का मनाया जा रहा है। अज की गर्मी पै रही है सारे ही नॉर्थ इंडिया च रेड अलर्ट जारी किया गया। हालांकि जे असी गल करिए इलेक्शन कमीशन की तो तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन से कूलर का इंतजाम किया गया ठंडे पानी का इंतजाम किया गया जा तो वध चढ़ के लोग पोलिंग स्टेशन से पहुंचन से वध तो वध चढ़ के उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। 1 बजे तक का डेटा तुम अपने टीवी स्क्रीन से देख पा रहे हो। परसेंटेज 34.37% वोटिंग दिल्ली हुण तक दर्ज कर ली गई है। 1:45 बज चुके ने इस विचाले 6 बजे तक वोटा पैनगियां मतदान होएगा जिसके चलते तमाम जो लोग है न्यूज 18 के तमाम दर्शक उन्होंने न्यूज 18 अपील करता है कि अपने नेड़े पोलिंग स्टेशन से वध तो वध चढ़ के पहुंचो ते अपने जमहूरी हक डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया जाए ते अपने पसंदीदा नेता नु चुनिया जाए। लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाए। 6वें गेट की वोटिंग लगातार जारी है पूरे ही देश। गल करिए 58 सीटा से मतदान हो रहा है लोग वोट पा रहे ने। इस विचाले वड्डे जो दिग्गज ने वड्डे चेहरे ने मेनका गांधी दीपेंद्र हुड्डा साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर तमाम जो वड्डे चेहरे ने मनीष तिवाड़ी उन्होंने जो दा है वो साख दा ते लगी हुई है। दिल्ली दे असी डेटा का जिक्र कर रहे हैं। 1 बजे तक 34.37% वोटिंग दर्ज की गई। तो ये आंकड़े दोपहर 1 बजे तक के हैं। तो इस आंकड़े पर और जानकारी अपडेट लेंगे। क्या माहौल है हरियाणा की राजनीति में? चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से गुड़गांव लोकसभा सीट से धर्मेश शर्मा, धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से जुड़ गए हैं। दोनों ही हॉट सीटें हैं। उनके पास आएंगे, अपडेट लेंगे। सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपके पास आना चाहती हूं। बताइए क्या माहौल है? अभी तक तो आंकड़ा 36 से ऊपर जा चुका कुल मतदान का। रोहतक में क्या माहौल है? किस तरीके से लोगों में उत्साह दिख रहा है? हम मानते कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, नौतपा की शुरुआत हो गई, चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन आपके पीछे लोगों की कतारें बता रही हैं गर्मी पर भारी है मतदाता का ये उत्साह। देखिए सुदेश, अगर रोहतक की बात करें तो ये आंकड़ा 38% तक पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र में काफ़ी धीमा मतदान था। अगर रोहतक शहर की हम बात करें तो 1 बजे तक तकरीबन 27% मतदान हुआ है, और अगर एवरेज की बात करें तो ये 40% तक पहुंच चुका है। लेकिन एक अच्छी तस्वीर ये है कि जिस तरह से जो लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में मतदाता बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारों में लोग हैं और काफ़ी जोश नज़र आ रहा है। तो ये आंकड़ा है, इसमें काफ़ी तब्दीली हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अभी तक कई जगह पे 40%, कहीं पर 42, तो कहीं पर 44% भी रोहतक लोकसभा में वोटिंग हो चुकी है। रोहतक शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आंकड़ा अभी 27% तक है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इस आंकड़े में काफी बदलाव आएगा। और यहां के लोगों से भी जानते हैं कि क्या सोच के इस बार वोट दे रहे हैं, मुद्दा क्या है आपका? कोई मुद्दा है? मुद्दा क्या है? अच्छी सरकार आनी चाहिए और हमें उसके लिए कुछ सहयोग ना देना चाहिए, देश के हित के लिए। मुद्दे क्या है? देश का हित, तो जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसी सरकार चाहते हैं हम। लेट हो गए काफी, सुबह से काफी मतदान बढ़ रहा था, लेकिन दोपहर में शायद इस तरह की लाइन कहीं नहीं। दोपहर को इस वजह से आएगी थी, रश कम होगा, बट यहाँ और भी ज्यादा रश है। हम लोग तो इसी फेवर से आए थे कि यहाँ रश कम होगा, मिलेगा, मगर जहाँ आगे हम यहाँ और ज्यादा रश मिला। आधा घंटा वेट करते हो गया, लाइन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन मतदान करके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतदान करके जाएंगे। ये तस्वीरें और दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि तैयारियां मतदान को लेकर प्रॉपर की जाएंगी, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएगी मतदाताओं को। यहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का वक्त 1:45 बज चुके हैं, अभी भी लंबी लाइनें हैं और लोग काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। और इनका कहना है कि वोट डालने के लिए शायद सुबह इसलिए नहीं आए थे कि दोपहर में जाएंगे, दोपहर में भीड़ कम मिलेगी, लेकिन लाइनें उसी तरह की नजर आ रही है। सुदेश, गुड़गांव लोकसभा का रुख करेंगे। धर्मवीर शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे तस्वीरें देखना चाहेंगे कि क्या तस्वीरें वहां पर हैं, क्या माहौल है, क्या उत्साह है?
हमें मालूम है कि दोपहर का वक्त है और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आंकड़ा बता रहा है गुड़गांव लोकसभा सीट का जो अभी तक मतदान हुआ है कि मतदाताओं में उत्साह भी उतना ही ज्यादा है जितने की गर्मी बढ़ रही है, पारा बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा मतदान धीमा है, लेकिन जो इस लोकसभा क्षेत्र का जो मेवात का इलाका है वहाँ का जो मतदान है वो ज़्यादा है। गुरुग्राम का जो मतदान की अगर हम बात करें तो करीब 35% है, जबकि वहाँ का मेवात का जो मतदान है वो करीब 45%, यानी 10% ज़्यादा है। शहरी क्षेत्र है और इस वक्त गर्मी ज़्यादा है, इसलिए लोग भी कम निकल रहे हैं। इस बूथ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं वोटर्स की कि वो आएँ और यहाँ वोट डालें। सुबह के वक्त में जरूर भीड़ थी, लेकिन माना जा रहा है 4 बजे के बाद शायद दोबारा से मतदाता